फिर से बता रही हूँ, पीछे चौथी नंबर सीट। बात ना हो तुम्हें जो लंगड़े प्रकार से अब कॉपी खींच रही हो। तुम इसे कह रहे हैं इधर बातें उधर बातें, बराबर गर्दन चल रही है। ये वाली लाइन 20 की होगी, ठीक प्रकार रख के पट्टी को 20 से नापेंगे, 10 सेंटीमीटर आधा, और जब खींचेंगे तो पूरा गोला नहीं बनाना है, केवल आधा गोला बनाना है, ठीक इतना ही बनाना है और कुछ नहीं बनाना। खींचिए जल्दी, 20 सेंटीमीटर का अर्धवृत्त बनाइए। 20 सेंटीमीटर? हाँ 20 सेंटीमीटर। कैसे मैं? आप बता सुनिए कैसे? मैं ऊपर की जैसे वृत्त खींचती है वैसे ही आधा बना दीजिए। अर्ध हमारे आधा, और वृत्त जब हो जाता है तो पूरा हो जाता है। मैम 10 खींचना है, 10 नापना है। अरे मैं मतलब नीचे वाला, नीचे का, नीचे का 20, नीचे का 10 क्यों बनाओगी? मैम ऊपर का 10 करना है ना, यहाँ से 10 नापो लाइन खींचने के बाद सीधे। अब बात देखो कहाँ सही है। प्रकार का क्या
ऊपर नहीं पाता। टाइम पूरा बातें में कैसे बनेगा बताइए। हाँ जब हमें बातें करना है किसी चीज पे ध्यान नहीं देना तो वो चीज कैसे बनेगा। कैसे बनाएंगे यही तो देखना है, इसीलिए तो कहा कि रेखांकन है, इसका खास तौर पे ध्यान दीजिए, नहीं समझ में नहीं आएगा। देखिए सोच के हम भी नहीं कभी आते कि हमें क्या बनाना है। जब बनाते हैं तो चित्र को केवल सोचते हैं कि क्या बनाएं, कैसे बनाएं और हाथ चलाते हैं वो अपने आप बनता है। बस ये चीज ध्यान रखिए कि चित्र गलत ना कहीं से दिखाई दे।
चित्र अपने आप कंप्लीट होता जाएगा। समझा चुकी हूँ आप लोगों को, चित्रों का समावेश अच्छा होना चाहिए। बनावट में सुंदरता होनी चाहिए, ये इसकी पूरी प्रमुख विशेषता है। ये नहीं कि ये चित्र देखने में ना अच्छा लगे, वो कुछ भी सकता है, क्योंकि आलेखन है, किसी भी तरह का जीव जंतु बन सकता है, बस वो सुंदर दिखना चाहिए। बातें नहीं, बन गया। और जगह बची है कोई? नो मैम। पूरा हो गया? नो मैम। चलिए बनाइए। सोच की स्मृति थी आई थी। मैम घर से नहीं, ये सोचा था कि स्मृति थी बनाएंगे, घर से नहीं प्यार के साथ। घर में इतना समय नहीं रहता कि ये सोच। जब आप आते हैं गिलास में अंकन जरूर गोल गोल सा है, गोलाई होनी चाहिए, फूल नहीं सही है। तो देखो क्या गोल बना है, क्या एकदम चूड़ी की तरह जाइए।